भाई इसमें कुछ आया भी है, मतलब ये सरारा आना चाहिए था ना, ये क्या आया है, ये कौन सा सरारा है भाई? ओह नो। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। मैं लेके आ गई हूँ ढेर सारा एथनिक आउटफिट, वो भी मीशो से, जिसका स्टार्टिंग प्राइस है ओनली 240 रुपीज। और इसमें है बहुत कुछ, इसमें है सरारा सेट, कुर्ती साड़ी, डिफरेंट टाइप का साड़ी, बहुत कुछ है, लहंगा है भाई। तो वीडियो होने वाला है बहुत मस्त, क्योंकि स्टार्टिंग प्राइस है 240 रुपीज, सुना है ना। और उसी के साथ दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाई मीशो, तो मैंने खुद के पैसों से खरीदा है, तो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आएगा। तो चलो एक एक करके सारा पार्सल ओपन करते हैं और आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करते हैं। तो चलो ओपन करते हैं पहला पार्सल। येलो कलर है तो बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई मीशो में दाग बहुत निकलता है। तो देख सकते हो बेसिकली ये बहुत ही क्यूट सा एक कुर्ती है, जिसका साइज़ मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था और ये आया है बिल्कुल मीडियम साइज़ में, देख सकते हो। तो साइज़ बिल्कुल सही नहीं आया है, फिर से दिक्कतें स्टार्ट। तो इसका मटेरियल है बिल्कुल जॉर्जेट का, काफ़ी सही मटेरियल है पर सॉफ्ट नहीं है। इसके अंदर देख सकते हो इनर मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जो कि बहुत सॉफ्ट है, पर इनर मटेरियल नीचे के फ्लेयर में नहीं है। नीचे का फ्लेयर भी सेम जॉर्जेट का मटेरियल है, सॉफ्ट नहीं है। और देख सकते हो नीचे मिल जा रहा है इस टाइप का बॉर्डर, जिसमें फेक मिरर एंड थ्रेड से काम, बहुत कलरफुल लग रहा है ना। और उसी के साथ देख सकते हो पूरे फ्रंट पोर्शन में काम मिल जा रहा है फेक मिरर एंड बहुत प्यारे थ्रेड से काम मिल जा रहा है। ऐसे बैक साइड में कोई भी काम नहीं है, स्लीव्स में भी बॉर्डर में ऐसे सेम काम मिल जा रहा है। तो इसका पैंट का कमर देख सकते हो इलास्टिक है, इसमें स्ट्रेच सही स्ट्रेच है भाई, काफ़ी सही है। इसके साथ देख सकते हो नीचे का फ्लेयर काफ़ी प्यारा मिल जा रहा है। और यहाँ से देख सकते हो नीचे के फ्लेयर में रफल ऐड किया गया है, यहाँ से देख सकते हो रफल ऐड किया गया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से पैंट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, पैंट बड़ा प्यारा लग रहा है। तो उसी के साथ दुपट्टा आया है, देख सकते हो काफ़ी, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम चौड़ा है दुपट्टा, और दोनों साइड में मिल जा रहा है इस टाइप का बॉल देख सकते हो। और दुपट्टा भी प्योर जॉर्जेट का है, बिल्कुल चौड़ा काफ़ी कम है, बट लंबाई देख सकते हो बिल्कुल सही मिल जा रहा है। और इस टाइप के कुर्ती के साथ, मतलब इस टाइप के सरारा सेट के साथ, मुझे लगता है कि चौड़ा दुपट्टा अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलो इसको पहन लेते हैं, उसके बाद पूरा डिटेल शेयर करेंगे। तो ये सरारा सेट जितना ज़्यादा क्यूट है, उतना ही ज़्यादा पहनने के बाद परफेक्ट लग रहा है, उतना ही सुंदर इसका प्राइस है। तो देख सकते हो ये जो मल्टी कलर का काम मिल जा रहा है ना येलो के ऊपर, बहुत प्यारा लग रहा है। ऊपर से ये बॉर्डर, ये तो बहुत ही क्यूट लग रहा है, ये ट्रांसपेरेंट सा है और पेट हल्का सा दिख रहा है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लुक मिल रहा है। और इसका पैंट, पैंट का फ्लेयर देख सकते हो बहुत अच्छा है, बिल्कुल महंगा लग रहा है देख के ही, बट ये है बहुत ही ज़्यादा सस्ता। इसका प्राइस है ओनली 701 रुपये, मतलब 701 रुपीज़। इसका दुपट्टा थोड़ा सा फीका है, मतलब छोटा है, बट अच्छा लग रहा है, ख़राब नहीं लग रहा है इसके साथ। बाकी आप लोग बताओ पूरा लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि ये सारा सेट मेरे लिए तो बहुत सही एक परचेस है। सो अभी ओपन कर रही हूँ नेक्स्ट पार्सल, जिसमें आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज, क्योंकि इसमें कुर्ती सेट के साथ हमें मिल जा रहा है बहुत ही प्यारा सा दो जूती भी, है ना, बहुत अच्छी बात। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये पार्सल ओपन करने के लिए, तो चलो देखते हैं कि कैसा क्या आया है। तो देख सकते हो इसमें काम बहुत प्यारा मिल जा रहा है, बिल्कुल थ्रेड एंड शीक्वेंस से काम मिल जा रहा है, देख सकते हो गले का काम बहुत प्यारा है। उसके बाद ऐसे बटन टाइप का मिल जा रहा है, जैसे कि बहुत क्यूट सा लग रहा है, गोल गोल टाइप का। और पूरे फ्रंट पोर्शन में देख सकते हो ऐसे काम मिल जा रहा है। और साइज़ मैंने मीडियम ऑर्डर किया था, यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है देख सकते हो 38, तो 38 का मतलब मुझे नहीं पता मीडियम है या स्मॉल है या क्या है भाई। तो इसके स्लीव्स में कोई भी काम वैसे नहीं है, स्लीव्स में ऐसा एक बॉर्डर मिल जा रहा है, जहाँ पे देख सकते हो बहुत ही कम थ्रेड्स हैं, सीक्वेंस बहुत प्यारा सा, बिल्कुल हल्का सा काम मिल जा रहा है। इसके बैक पोर्शन में देख सकते हो कोई भी काम नहीं है, और कुर्ती के नीचे कोई भी इनर एडेड नहीं है, कुर्ती बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत प्यारा मटेरियल है, काफ़ी सॉफ्ट है। और उसी के साथ आया है देख सकते हो पैंट, ये कॉटन ब्लेंड है मुझे जितना समझ आ रहा है। तो पैंट देख सकते हो बेसिकली इस टाइप का है, यहाँ पे कमर में इलास्टिक मिल जा रहा है, जिसका स्ट्रेच काफ़ी ठीक ठाक है। पैंट के नीचे डिज़ाइन मिल जा रहा है, इस टाइप का डिज़ाइन मिल जा रहा है, कैसे क्रीस क्रॉस बना हुआ है। उसी के साथ एक बॉर्डर मिल जा रहा है, जहाँ पे शीक्वेन एंड थ्रेड से ऐसे काम मिल जा रहा है। तो ये आया है बहुत ही प्यारा सा, बिल्कुल येलो कलर का जूती देख सकते हो, और उसमें देख सकते हो बिल्कुल शीक्वेंस एंड थ्रेड से काम है, जैसे कि सेम कुर्ती में था। तो बहुत प्यारा है, इसका साइज़ कुछ भाई लिखा तो है नहीं। और पीछे से देख सकते हो इस टाइप का एक इलास्टिक मतलब मिल जा रहा है, जिससे आपका पैर का ग्रिप बना रहेगा, अगर पैर अगर छोटा भी हो ना तो इसमें आ जाएगा आराम से, मतलब बोल सकते हो बिल्कुल फेस्टिव रेडी
कुर्ती सेट है ये, बिल्कुल इसके साथ मैचिंग जूती मिल रहा है और क्या ही चाहिए, इसका प्राइस भी काफ़ी सस्ता है। तो चलो पूरा सेट पहन के दिखाती हूँ, उसके बाद प्राइस एंड ऑल शेयर करूँगी। सो ये बहुत ही एवरेज है, बहुत ही एवरेज क्वालिटी का एक कुर्ती है, देख सकते हो पहनने के बाद काफ़ी एवरेज लग रहा है। पैंट भी देख सकते हो काफ़ी एवरेज है, और उसके साथ जूता मिला है, मतलब जूती मिला है, काफ़ी सही नहीं लग रहा है, काफ़ी सस्ता लग रहा है, देख के ही लग रहा है कि सस्ता है। पूरा आउटफिट का प्राइस है 594 रुपीज़, सस्ता वैसे है भी, पर ये मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, पर अगर ऐसे कंफर्ट की बात करोगे तो 10/10 है, कंफर्टेबल बहुत अच्छा है, फिटिंग सही है, सब कुछ ठीक है, बट उतना ज़्यादा फेस्टिव वाइब नहीं दे रहा है, ठीक ठाक है। बाकी आप बताओ आप लोगों को कैसा लगा, बताओ जल्दी जल्दी। सो अभी ओपन करूँगी नेक्स्ट पार्सल। तो ये आया है देख सकते हो एक लॉन्ग कुर्ती, जिसमें बहुत प्यारा काम है, काफ़ी सिंपल है, स्पेगेटी स्लीव मिल रहा है देख सकते हो, और ऊपर से ऐसे जरी से बना हुआ काम मिल जा रहा है, जो कि बहुत प्यारा लगता है मुझे। और ये स्लीव में भी ऐसे देख सकते हो है, मतलब ये साइड में ऑब्वियसली स्लीव में नहीं है, काफ़ी प्यारा लग रहा है, पर ये अंडर आर्म पे चुभेगा या नहीं मुझे नहीं पता भाई। और इसका मटेरियल है बिल्कुल जॉर्जेट का, नीचे इस्तेमाल किया गया है काफ़ी प्यारा और सॉफ्ट एक मटेरियल। साइज़ मैंने स्मॉल पे ऑर्डर किया था, साइज़ देख सकते हो बिल्कुल स्मॉल ही आया है, और उसी के साथ इसमें मुझे दिख रहा है थोड़ा सा तो दाग दिख रहा है, और उसी के साथ देख सकते हो इसका दोनों साइड में ऐसे कट मिल जा रहा है, बिल्कुल नायरा कट लग रहा है ये देखने में, और कट में देख सकते हो बॉर्डर बना हुआ है, बहुत प्यारा काम मिल जा रहा है शीक्वेन एंड थ्रेड से। इसका लेंथ मुझे काफ़ी सही लग रहा है, पूरे कुर्ती में ना इनर ऐसे है तो कुर्ती बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। पैंट बिल्कुल स्ट्रेट लेग पैंट है देख सकते हो, पैंट के कमर में इलास्टिक जिसका स्ट्रेच है बहुत ही बेहतरीन, और उसी के साथ देख सकते हो पैंट के नीचे, मतलब नीचे के बॉर्डर में मिल जा रहा है ऐसे शीक्वन इन जरी से काम, और पैंट का मटेरियल भी जॉर्जेट का है, उसके नीचे भी है ऐसे इनर मटेरियल, जिसकी वजह से पैंट भी बिल्कुल देख सकते हो ट्रांसपेरेंट नहीं है। पैंट का साइज़ भी स्मॉल ही आया है, काफ़ी सही है, फिट तो आराम से आ जाएगा लग रहा है। इसके साथ और आया है बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा, जो कि देख सकते हो बहुत क्यूट एंड गॉर्जियस है, क्योंकि दुपट्टे के चारों तरफ सेम बॉर्डर मिल जा रहा है, जिसमें शीक्वेन एंड जरी से काम है, देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलो झटाफट पूरा सेट पहन के आते हैं, उसके बाद पूरा डिटेल शेयर करते हैं। सो ये तो है एक बहुत ही प्यारा कुर्ती सेट, मतलब एक सलवार कमीज सेट, बट जिसका साइज़ आया है स्मॉल, पर देख सकते हो ये कौन सा स्मॉल साइज़ है मुझे नहीं पता भाई, पूरा खुल जा रहा है मेरे को, देख सकते हो कितना ज़्यादा लूज आया है ये, इतना टाइट करने से ये टाइट होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा देख सकते हो लूज आया है, किसी भी तरह मतलब कैसे पहना है मैंने मुझे पता है सिर्फ। इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है, इसका काम बहुत अच्छा है, देख सकते हो नीचे तक देख सकते हो कितना सुंदर बॉर्डर मिल जा रहा है, इसका पैर बहुत सुंदर सा है, पैंट का फिटिंग बिल्कुल सही आया है, बट ये बहुत ऑर्डर करना पड़ेगा, देख सकते हो कितना ज़्यादा लूज है भाई साहब, पता नहीं किसने इसका साइज़ बनाया इतना खतरनाक जो आया है। इसका प्राइस है 824 रुपीज़, बट ये बता सकती हूँ कि ये बिल्कुल एक मस्ट है प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका डिज़ाइन बोलो सब कुछ इतना प्यारा है ना, बट बस फिटिंग अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बाकी मुझे काफ़ी अच्छा लगा लुक वाइज, आप लोगों को कैसे लगा कॉमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। सो अभी ओपन कर रही हूँ नेक्स्ट पार्सल। इसका कलर ना मुझे काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, देख सकते हो यहाँ पे कलर आपको, मतलब मैंने ये ऑर्डर किया था ये वाला कलर, और ये वाला कलर आया है, ये जैसे लग रहा है ना येलो के साथ एक मतलब ये टर्मरिक का कलर होता है, हल्दी का कलर ऐसा होता है, उस टाइप का कलर आया है, और मैंने थोड़ा सा अलग येलो ऑर्डर किया था, तो आप लोगों को पिक्चर में दिख जाएगा। बाकी डिज़ाइन तो सेम ही आया है, बट बहुत ज़्यादा पुराना पुराना लग रहा है भाई, देख के लग रहा है कि किसी ने यूज़ किया है फिर दिया है, कलर की वजह से या नहीं पता नहीं, बट काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे। देख सकते हो इसका काम काफ़ी सही है, यहाँ पे ना आपको जरी से एंड थ्रेड से ऐसे काम मिल जा रहा है पूरे फ्रंट पोर्शन में, बट बैक पोर्शन में आपको कोई भी काम नहीं मिल रहा है। मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है, साइज़ मैंने स्मॉल पे ऑर्डर किया था और साइज़ एक नंबर आया है भाई, साइज़ कुछ लिखा हुआ नहीं है, 3/4 है कुर्ती, और कुर्ती के स्लीव में कोई काम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है नहीं लग रहा है कि ये फेस्टिव वाला कोई वाइब दे रहा है, मेरे को एक्सपेक्टेशन जो था वो तो हर्ट हो गया भाई। जो भी है इसमें कोई भी इनर मटेरियल नहीं है, पर मटेरियल काफ़ी ठीक ठाक है, देखो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं, थिक है काफ़ी, और इसके साथ आया पैंट, ये मतलब कैसे मैचिंग कैसे किया, इसका मैच कैसे किया भाई, कमर में इलास्टिक मिल रहा है, स्ट्रेच ठीक ठाक है,
पैर के नीचे काम मिल जा रहा है, देख सकते हो ऐसे, और हल्का वाइड है पैर के नीचे, मतलब ये सरारा आना चाहिए था ना, ये क्या आया है, ये कौन सा सरारा है भाई? है भाई ये चीज़ बिल्कुल भी सरारा नहीं है, तो ये क्या चीज़ है मेरे को नहीं पता, ऐसा पैंट मैं पहली बार देख रही हूँ। ऐसा होता ना पुराने ज़माने में ऐसे पैंट करीना कपूर पहनती थी, और अभी कुछ जीन्स भी ऐसा आया है नीचे जाके ऐसे हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल सरारा नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है मुझे। पर दुपट्टा सही दिया है भाई, मतलब दुपट्टा उसका दे दिया और कुर्ती और पैंट अलग का दे दिया। दुपट्टा काफ़ी प्यारा है, पर इसका चौड़ा उतना ज़्यादा नहीं है, बट दुपट्टा क्यूट लग रहा है, चारों तरफ ऐसे लटकन मिल जा रहा है, जरी का बॉर्डर, और देख सकते हो ऐसे सीक्वेंस से काम मिल जा रहा है, नेट काफ़ी सॉफ्ट है, तो दुपट्टा मैं कीप कर रही हूँ, ये मैं रिटर्न कर रही हूँ, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। बाकी चलो आप लोगों को पहन के दिखा देती हूँ, पहनने का मन तो है नहीं पर फिर भी दिखा देती हूँ। और ऐसे गीला गीला क्यों है कपड़ा भगवान जाने, जो भी हो क्या दिखाया था और क्या दिया है। इसका सबसे फनी चीज़ है इसका पैंट, एक बार इसका पैंट का फेट देखो कितना गंदा कुछ हो सकता है देखने में, मतलब मुझे हमें हंस हंस के मेरा दिमाग ख़राब हो गया, लोटपोट हो गई पूरा, इतना गंदा इसका फिट है, बहुत ज़्यादा टाइट फिट है देख सकते हो, फिर भी कुर्ती का फिट ठीक है, पैंट अगर मैं गारंटी दे रही हूँ एक बार बैठ गई ना यहाँ पे पूरा फट जाएगा, मैं गारंटी देकर लिख के दे रही हूँ भाई, क्योंकि ये पोर्शन इतना टाइट हो रहा है मैं समझा नहीं पाऊँगी आपको। तो जो भी हो इसका प्राइस है 494 रुपीज़, और ये मुझे बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लग रहा है, पूरा डिफरेंट आया है भाई, तो मैं इसको कीप करने का तो सवाल ही नहीं उठता है भाई, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगी। बाकी आप लोग बताओ और हंसो कॉमेंट में, और क्या। सो ओपन करते हैं नेक्स्ट पार्सल, तो पहले दिखा रही हूँ ये है लहंगे का स्कर्ट आया है देख सकते हो, जो कि बिल्कुल स्टिच्ड आया है, ओ माय गॉड बहुत अच्छी बात है, स्टिच्ड आया है पूरा और ट्रांसपेरेंट तो लग नहीं रहा है मेरे को। ये ना बिल्कुल वेलवेट का कपड़ा है जो यहाँ पे स्टिच करके लगाया गया है, और पूरे लहंगे के स्कर्ट पे देख सकते हो जरी से और थ्रेड से काम मिल जा रहा है, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा है, बॉर्डर भी बहुत गॉर्जियस है, तो मुझे ओवरऑल स्कर्ट बहुत प्यारा लगा। सो देख सकते हो ये ब्लाउज पीस का मटेरियल जो कि आया है बिल्कुल वेलवेट का मटेरियल, काफ़ी सही है देख सकते हो, तो इसमें मिल जा रहा है जरी से एंड थ्रेड से बिल्कुल काम मिल जा रहा है देख सकते हो, स्लीव्स का अलग से ऐसे दे दिया गया है, फ्रंट पोर्शन का अलग से ऐसे दे दिया गया है, और बैक पोर्शन का भी यहाँ पे अलग से देख सकते हो दे दिया गया है, जो कि काफ़ी सही बात है, मटेरियल काफ़ी सफिशियंट दिया गया है। इसके नीचे आप लोग एक चाहो तो मतलब मटेरियल डाल सकते हो इनर मटेरियल, बट काफ़ी सही एंड सफिशियंट मटेरियल मिल जा रहा है, बिल्कुल वेलवेट का मटेरियल है, काफ़ी ठीक ठाक है। दुपट्टा ओ माय गॉड बहुत ही ज़्यादा लंबा एंड चौड़ा दुपट्टा है देख सकते हो, दुपट्टे के चारों तरफ मिल जा रहा है ऐसे येलो कलर का बॉर्डर, और उसके साथ बिल्कुल पिंक कलर का, रानी पिंक कलर का मिल जा रहा है दुपट्टा, नेट वाला दुपट्टा है, काफ़ी प्यारा है देख सकते हो, बहुत चौड़ा दुपट्टा मिल जा रहा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऊपर से ये जो नेट का ये एक्चुअली नेट नहीं है, सॉरी ये नेट नहीं है, ये एक टाइप का मटेरियल है जो नेट जैसा दिखता है, काफ़ी सॉफ्ट है। तो चलो पूरा सेट पहन लेती हूँ, उसके बाद पूरा डिटेल शेयर करूँगी। ब्लाउज के साथ स्कर्ट काफ़ी अच्छे से जा रहा है, और स्कर्ट का देखो लेंथ काफ़ी सही है, बट नीचे का बॉर्डर में कोई काम नहीं है, वो सबसे वियर्ड नहीं लग रहा है मेरे को तो लग रहा है भाई। बाकी तो ओवरऑल लुक ऐसा ही है जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, बस ब्लाउज आप लोगों को स्टिच कराना पड़ेगा, और पीछे दिखाने लायक कुछ है नहीं। और इसका प्राइस है 868 रुपीज़, तो उसमें कैसा लग रहा है बताओ मुझे, क्योंकि मेरे को काफ़ी एवरेज लगा सच बता रही हूँ भाई। इसमें कुछ आया भी है, ये तो लग नहीं रहा इसमें कुछ भी है, चलो देखते हैं कि क्या आया है। बिल्कुल देख सकते हो एक स्लीवलेस बहुत ही प्यारा मटेरियल का एक कुर्ती आया है, मतलब इधर उधर जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, अंदर कोई मटेरियल नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल कॉटन का लग रहा है। ऊपर से देख सकते हो यहाँ पे फ्रंट पोर्शन में ऐसे थ्रेड से काम मिल जा रहा है, जो बहुत प्यारा लग रहा है, और एक एक करके ना फेक मिरर भी इस्तेमाल किया गया है। स्लीवलेस है देख सकते हो, साइड कट मिल जा रहा है, काफ़ी प्यारा है, प्राइस है 240 रुपीज़ ऑनली, तो काफ़ी सस्ता और काफ़ी सुंदर और काफ़ी मजबूत और टिकाऊ मुझे लग रहा है देखने में। तो चलो पहन के दिखाती हूँ और बाकी डिटेल शेयर करूँगी, पर स्मेल जो है बहुत ही कैसा टाइप का है, बाकी पहनना तो पड़ेगा मुझे।
240 रुपीज़, बिल्कुल सही सुन रहे हो, इसका प्राइस है 240 रुपीज़। इतना प्यारा कुर्ती मिल गया जो कि बहुत ज़्यादा कम्फी है, मतलब 100 out of 100 है। ये डेली वेयर के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, इसको पहन के पूरा दिन बिता सकते हो विदाउट एनी इरिटेशन। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसका लेंथ भी देख सकते हो, काफ़ी प्यारा लेंथ मिल जा रहा है इसका। देखो पूरे घुटने के नीचे तक इसका लेंथ आ जा रहा है, जो कि बहुत सही बात है। और उसी के साथ साइड कट भी काफ़ी प्यारा मिल जा रहा है, स्लीवलेस है, बहुत प्यारा है। देख सकते हो बैक में कोई ऐसा डिज़ाइन है नहीं, बट ये मुझे लग रहा है बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि ये बहुत कम्फी है, बहुत कम्फी। सो ओपन कर रही हूँ नेक्स्ट पार्सल। येलो कलर किस किस को पसंद है कॉमेंट में बताओ। तो सबसे पहले बता रही हूँ, एक सरारा सेट आया है, तो इसका ऊपर का पोर्शन दिखा रही हूँ पहले ही, जिसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक सा है, बिल्कुल ड्रेस जैसा है, देख सकते हो बिल्कुल यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, काफ़ी सही है। स्पेगेटी स्लीव्स मिल रहा है जो कि एडजस्टेबल है, जो कि और भी अच्छी बात है। और पीछे के पोर्शन में देख सकते हो मिल जा रहा है ऐसे इलास्टिक, और ये देख सकते हो बिल्कुल साइज स्मॉल में ऑर्डर किया था और साइज स्मॉल पे ही आया है, जो कि और भी बढ़िया बात है। और उसी के साथ इसके नीचे कोई भी इनर मटेरियल नहीं है, सिंगल मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, पर यहाँ पे फ्रंट पोर्शन में ना डबल मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जिससे ना बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है। नीचे का पोर्शन का फ्लेयर एक बार देख लो, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा सही फ्लेयर देख सकते हो नीचे के पोर्शन में मिल जा रहा है, जो कि बिल्कुल मतलब परफेक्ट है, मतलब मोर देन परफेक्ट है। और उसी के साथ नीचे के पोर्शन में मिल जा रहा है इस टाइप का बॉर्डर, जिसमें जरी है और जरी से ही ऐसे पिरामिड जैसा बना हुआ है। अभी इसका प्रॉपर नाम मुझे नहीं पता, इस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं, आप लोग को पता हो तो ज़रूर कॉमेंट में बताना। इसके साथ और आया, चलो देखते हैं पैंट। ये कमर, कमर का इलास्टिक बहुत सही स्ट्रेच है, और पैंट का नीचे देख सकते हो फ्लेयर उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब नीचे का फ्लेयर बिल्कुल ही हल्का पड़ गया भाई, काफ़ी कम फ्लेयर दे दिया नीचे के पैर का, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था और थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। जो भी हो नीचे देख सकते हो इस टाइप का डिज़ाइन मिल जा रहा है जरी से, और पिरामिड भी बना हुआ है जरी से, काफ़ी सही लग रहा है। ये सिंगल मटेरियल से बना हुआ है, बिल्कुल भी डबल मटेरियल, मतलब अंदर कोई भी इनर नहीं है, काफ़ी सही मटेरियल है, सॉफ्ट है। इसके साथ चलो देखते हैं दुपट्टा कैसा है। सो दुपट्टा जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना, लग रहा है कि स्टिच कर करके बनाया गया है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा अलग आया है, पर दुपट्टा काफ़ी प्यारा है। दुपट्टे का मटेरियल बहुत सॉफ्ट है देख सकते हो, और देख सकते हो चारों तरफ ऐसे बॉर्डर मिल जा रहा है, जो कि बहुत क्यूट लग रहा है। और उसी के साथ पूरे बॉडी में देख सकते हो मिल जा रहा है ऐसे काम, बिल्कुल थ्रेड एंड फेक मिरर से ऐसे काम मिल जा रहा है, जो कि और सही है। और उसी के साथ दुपट्टे का जो चौड़ा है और लेंथ है बहुत सही मिल जा रहा है। तो चलो पहन के दिखाते हैं, आप लोगों के साथ पूरा डिटेल शेयर करते हैं। सो ये ना काफ़ी ज़्यादा यूनिक एक सरारा सेट है देख सकते हो, इसका जो फ्लेयर है बहुत ज़्यादा सही है देख सकते हो, मेरे को ये फ्लेयर बहुत अच्छा लगा। और इसको ना आप लोग जीन्स के साथ भी पहन सकते हो एज अ टॉप, और ये सबसे बढ़िया बात है। और उसी के साथ इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है, इसका लेंथ बहुत अच्छा है, चौड़ा बहुत अच्छा है, और इसका प्राइस है 864 रुपीज़। बट इसका जो पैंट है उसका जो फ्लेयर है ना, वो मुझे थोड़ा सा कम लगा, मतलब पैंट के हिसाब से थोड़ा सा ढीला पड़ गया मुझे लग रहा है। बाकी फिटिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है देख सकते हो, बहुत अच्छे से फिट आया है, बिल्कुल 10/10 है। बैक साइड का डिज़ाइन भी देख लो, काफ़ी सुंदर है, मतलब आप लोग ले सकते हो, मटेरियल वाइज, कंफर्ट वाइज, फिट वाइज काफ़ी सही है। तो आप लोगों को कैसे लगा बाकी बताओ कमेंट में। सो ओपन कर रहे हो, चलो नेक्स्ट पार्सल। ये बिल्कुल एक रेडी टू वेयर साड़ी आया है, मतलब डिफरेंट टाइप का रेडी टू वेयर साड़ी। तो उसके लिए सबसे पहले आ गया ये टॉप, जो कि है हमारा ब्लाउज, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट सा है देख सकते हो, बिल्कुल सिंगल कलर इस्तेमाल किया गया है, पर स्लीव्स में जो बहुत ही छोटा छोटा सा मल्टी कलर का काम मिल जा रहा है ना, ये बिल्कुल फैब्रिक कलर से बना हुआ है, बिल्कुल ग्लिटर वाला फैब्रिक कलर, बहुत प्यारा लग रहा है। और स्लीव्स के इस पोर्शन में देख सकते हो इलास्टिक दिया गया है, जिससे हल्का एक स्ट्रेच मिल जा रहा है। इससे ना पफ स्लीव्स टाइप का बनाने की कोशिश किया गया था, पर पूरा प्रॉपर पफ स्लीव नहीं बना है, पर क्यूट लग रहा है। फ्रंट पोर्शन में ऐसे गोल्डन कलर का पिरामिड जैसा मिल जा रहा है, जो कि क्यूट लग रहा है। ऑल्सो साइज स्मॉल पे ऑर्डर किया था, साइज देख सकते हो बिल्कुल स्मॉल पे ही आया है। ये येलो कलर काफ़ी अलग लगता है ना, काफ़ी डार्क टाइप का है, काफ़ी सही लगता है। इसके साथ ना क्या आ सकता है गेस करो, मैं ही दिखा देती हूँ। इसके साथ आया है ये, देख सकते हो ये बिल्कुल एक सरारा का पैंट जैसा है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लेग पैंट है, पर नीचे मिल जा रहा है ऐसे फ्लेयर, काफ़ी प्यारा मटेरियल है, जॉर्जेट का बिल्कुल मटेरियल है, पर जॉर्जेट के मटेरियल के नीचे मिल जा रहा है काफ़ी सही सॉलिड एक इनर मटेरियल, जो कि बहुत नरम है। और उसी के साथ पैंट के एक पोर्शन में मिल जा रहा है ऐसे स्ट्रेचेबल, मतलब इलास्टिक, जिसका स्ट्रेच बहुत सही है।
और एक पोर्शन में मिल जा रहा है, देख सकते हो ऐसे बिल्कुल सॉलिड मटेरियल जिसमें कोई भी स्ट्रेच नहीं है। और उसी के साथ देख सकते हो ये है हमारा साड़ी का पल्लू जो कि बहुत प्यारा है, जिसमें सेम काम है जैसे कि ब्लाउज के स्लीव्स में था। बहुत प्यारा देख सकते हो प्रिंट्स मिल जा रहा है जिसमें बहुत सारे कलर्स है, वाइट है, ब्राउन है, पिंक है, सिल्वर कलर का है, बहुत क्यूट लग रहा है। तो ये काफ़ी यूनिक सा नहीं है, तो चलो पहन के दिखाती हूँ तो आप लोगों को समझ आएगा और उसी के साथ पूरा डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी। सो ये है कुछ बहुत ही उल्टा फुल्टा। इसका ब्लाउज देखो कितना ज़्यादा लूज है, देख सकते हो इतना टाइट करने से ब्लाउज फिट आएगा मुझे। और इसका स्लीव देखो भाई फट जाएगा लग रहा है, इसका इलास्टिक का जितना स्ट्रेच था मेरे हाथ में ही चला गया। ऊपर से ये पफ स्लीव होना चाहिए था, ये क्या स्लीव आया है मुझे नहीं पता, देख सकते हो बिल्कुल चपटा चपटा सा हो गया, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा लग रहा है। ऊपर से देख सकते हो पल्लू ऐसे मैंने लिया है, पल्लू काफ़ी प्यारा लग रहा है, पर पल्लू मुझे लग रहा है कि और थोड़ा सा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर ठीक ही है, ख़राब नहीं है। बाकी जो बिल्कुल पतले पतले से हाथ जिनका है वही ये ले सकते हैं भाई, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। बाकी ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा था, बिल्कुल यूनिक सा, एक बिल्कुल देख सकते हो फ्लेयर्ड ऐसे पैंट के साथ बिल्कुल एक साड़ी का पल्लू ऐड करके दे दिया। ऊपर से बहुत प्यारा एक ब्लाउज मिल रहा है जिसका फिटिंग बिल्कुल सही नहीं है। प्राइस है 793, आप लोगों को कैसा लग रहा है इस प्राइस में बताओ, मैं इसको डेफिनेटली कीप नहीं करूँगी। सो ओपन कर रही हूँ नेक्स्ट पार्सल। सो ये आया है देख सकते हो कुर्ती, कुर्ती काफ़ी प्यारा है, इसका मटेरियल ना काफ़ी अलग सा है, काफ़ी हल्का पतला सा और काफ़ी मुलायम सा मटेरियल है देख सकते हो। बिल्कुल एक साइड कट कुर्ती मिल जा रहा है जिसके नीचे के बॉर्डर में इस्तेमाल किया गया है ऑर्गेन्जा का मटेरियल जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। ऑर्गेन्जा के मटेरियल के ऊपर देख सकते हो मिल जा रहा है बहुत प्यारा थ्रेड से काम, बहुत कवर्ड काम, और उसी के साथ यहाँ पर मिल जा रहा है देख सकते हो इस टाइप का डिज़ाइन, कितना सुंदर लग रहा है ना। और चलो देख लेते हैं कि इसके फ्रंट पोर्शन में कैसा काम है, बहुत ही प्यारा देख सकते हो काम है, मतलब ऑर्गेन्जा के मटेरियल के ऊपर ऐसे बिल्कुल थ्रेड से काम था, उस मटेरियल को यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो स्टिच करके लगाया गया है, बहुत यूनिक सा है। तो इसका साइज स्मॉल ऑर्डर किया था, साइज देख सकते हो स्मॉल आया है, पर ये कुर्ती का जो मटेरियल है ना काफ़ी यूनिक सा लग रहा है मुझे, मतलब लग रहा है कि मैंने कभी पहना नहीं इस टाइप का मटेरियल, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, काफ़ी ज़्यादा सुंदर। और उसी के साथ दो ऐसे लटकन मिल जा रहा है कुर्ती के फ्रंट पोर्शन में जो कि और ज़्यादा क्यूट लग रहा है, देख सकते हो थ्री क्वार्टर स्लीव है और स्लीव में भी ऐसे ऑर्गेन्जा का मटेरियल बॉर्डर की तरह ऐड किया गया है, पर इसमें कोई भी काम नहीं मिल रहा है। पैंट का डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर है, देख सकते हो पैंट के एक पोर्शन में ऐसे इलास्टिक मिल रहा है जिसका स्ट्रेच बहुत अच्छा है, और एक पोर्शन में मिल रहा है सॉलिड, और उसी के साथ देख सकते हो इसके पैंट के नीचे भी इस टाइप का मिल जा रहा है बिल्कुल ऑर्गेन्जा का मटेरियल जिसमें थ्रेड से काम है, पर इसका काम और इसका काम दोनों का काम डिफरेंट है, इसमें सिर्फ फूल है, इसमें पत्ती भी है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो जो भी हो काफ़ी प्यारा लग रहा है, दुपट्टा देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो ये है दुपट्टा जो कि बिल्कुल ऑर्गेन्जा का ही आया है जिसमें बहुत सारे फ्लावर बने हुए हैं, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसमें बहुत सारे थ्रेड से काम आएगा, कैसे एक्सपेक्ट किया था पता नहीं, जो भी हो इसके चारों तरफ मिल जा रहा है इस टाइप का लटकन देख सकते हो, बहुत क्यूट क्यूट सा है, और पूरा दुपट्टा काफ़ी सही है पर इसका चौड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है देख सकते हो, बट मुझे लग रहा है कि पहनने पर काफ़ी सही लुक मिलेगा। बाकी ये कलर आप लोगों को कैसे लगता है कॉमेंट में बताओ, मैं पहन के आती हूँ फिर पूरा डिटेल शेयर। सो ये कुर्ती सेट लुक वाइज तो बहुत सुंदर था और हाथ लगाने पे इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा लग रहा था, पता नहीं पहनने के बाद क्यों इतना ज़्यादा खुजली हो रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, पूरा अंदर से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको उतारना चाहती हूँ, तो तब तक आप लोग जल्दी जल्दी देख लो शायद मटेरियल का कोई इशू होगा। बाकी देख सकते हो ऑर्गेन्जा का ऐसे दुपट्टा लग रहा है पहनने के बाद, ऐसे लग रहा है पूरा कुर्ती, कुर्ती का लेंथ बहुत सही है, पैंट के नीचे का डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, फिटिंग बिल्कुल 10/10 है, प्रॉपर फिट आया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक वाइज भी लग रहा है, बट ये इरिटेशन क्यों हो रहा है पता नहीं, बिल्कुल खुजली हो रहा है, लग रहा है कि पूरा चुभ रहा है कुछ अंदर अंदर से, बहुत ज़्यादा इरिटेशन लग रहा है। और इसका प्राइस है 867 रुपीज़। तो आप लोगों को क्या लग रहा है इस प्राइस में ये सही है या नहीं है बताओ जल्दी जल्दी। सो कैसा लगा आज का वीडियो और कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी, और उसी के साथ ये भी बताना जितने सारे एथनिक आउटफिट आप लोगों के साथ आज मैंने शेयर किया उनमें से सबसे अच्छा आप लोगों को कौन सा लगा, और जितने सारे एथनिक आउटफिट मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया सबका लिंक मिल जाएगा मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना। आज का कलर था येलो क्योंकि आज था नवरात्रि डे 5, मैं थोड़ा सा लेट चल रही हूँ मुझे पता है उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, नेक्स्ट टाइम से बहुत ही तेज़ी से चलूँगी उस
उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो ताकि मेरा स्पीड थोड़ा सा अप हो। और उसी के साथ मिलती हूँ बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब सेफ रहना, आई लव यू ऑल, टाटा बाय।